محمد صلى الله عليه وسلم. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد لا سيما بقية الله في الأرض وحجته على الخلائق أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أحب فاطمة أحبني وهو معي في الجنة ومن أبغضها وهو في النار يا سلمان من أحب فاطمة إن أيسر ما يكون له وله مئة وله ينفع مودتها في مئة مواطن أيسرها عند الموت والحشر والقبر والصراط والميزان والحساب دوت محمد صلى الله عليه وسلم बात शहजादे कौनैन सैयद निसाइल आलमीन हुज्जत अइमा शहजादी जहरा सलामुल्लाह अलैहा ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ अथवा अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से इस मुसीबत के हकीकी वारिस हम सब के मौला आका इमाम ज़माना की खिदमत में भी ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खुदाया हमारी इस मजलिस को, हमारे इस गम को कबूल करना। हम जो शहजादी के नाम पे आंसू बहाएंगे उसको हमारे लिए सवाब का जरिया करार देना, इसके जरिए हमारी मुसीबतों को दूर
करना, हमारी परेशानियों को दूर करना, हमें दुनिया और आखिरत में शहजादी और इमाम जमाना के साए में बाकी रखना, और हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील करना। जब इमाम का ज़ुहूर हो तो हम, हमारी नस्ल में आने वाले लोग, हमारी कौम के बच्चे, जवान, बूढ़े, सब इमाम के सच्चे चाहने वाले दोस्त और मददगार के शुमार। मेरी स्पीच बेबाक में होगी। पहला हिस्सा शहजादी के अमुख फजाइल जो रिवायात में बयान हुए हैं, तथा सेकेंड पार्ट दूसरा हिस्सा शहजादी की सीरत अने आज की जिंदगी में हम 1400 साल पहले रहने वाली एक लेडी, एक खातून की सीरत को कैसे अप्लाई कर सके अपनी जिंदगी में, कैसे हम उस सीरत को अपना सकें, दो हिस्सों में हमारी पूरी स्पीच होगी। उसके बाद चंद जुमले मसाइब के शहजादी और इमाम ज़माना को गुस्सा देने। बहुत अहम हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हदीस। आप फरमाते हैं कि मन अहब्बा इब्नती फातिमा फहुवा मई फिल जन्ना। यह हदीस हम सबको खुश करने के लिए, यानी इस हदीस से थोड़ा हमको एनर्जी मिलेगी, बूस्ट हो जाएगी कि हमारा मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है। यहाँ जो हम लोग बैठे हैं ऐसे नहीं बैठे, शहजादी की मोहब्बत है तभी तो हम हैं। हम लोग जो मोहब्बत में शहजादी की, हमारी माँ बहन है, आप लोग जो मोहब्बत में, हम लोग जो आए शहजादी की मोहब्बत में यहाँ मजलिस के लिए, शहजादी पे आंसू बहाने के लिए, तो हमारा अज्र क्या है, हमको क्या मिलेगा। रसूल खुदा फरमाते हैं मन अहब्बा इब्नती फातिमा, जे कोई मारी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे, फहुआ सबसे पहला सवाल, सबसे पहला रिजल्ट, फहुआ माई फिल जन्ना, तो ये शख्स मारे साथ जन्नत में होगा। जन्नत में मेरे साथ बैठेगा, मेरा कंपेनियन होगा। दुनिया में तो रसूल खुदा के साथ बहुत से लोग थे, दुनिया में होना कमाल नहीं, आखिरत में रसूल खुदा के साथ होना कमाल। बहुत से जमाने में रसूल खुदा के बहुत से लोग ऐसे थे जो दुनिया में साथ साथ थे, हत्ता कोशिश की कि मरने के बाद भी साथ रहे, लेकिन ये कमाल नहीं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, रियालिटी बता रहा हूँ। कमाल ये है कि आखरत में अने बेहिश्त में जन्नत में रसूल खुदा के साथ हैं। फहुआ मई फिल जन्ना। दूसरा सवाल, दूसरा असर शहजादी से मोहब्बत का आप सब के लिए, हमारे लिए, माँ बहनों के लिए, वमन अबदल्लाह, इसको बताने के बाद, और जो मेरी बेटी फातिमा से दुश्मनी रखे, खुदा हमें हमारी नस्ल को इस शर से बचाए। फहुआ फिन्नार, साफ साफ, यानी होता ना 2 and 2 4, दो दो चार, जिसमें कोई डाउट यानी कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, जो कोई मेरी बेटी से दुश्मनी रखेगा उससे बुग्ज रखेगा, फहुआ फिन्नार, चाहे जितना मोटा, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, जैसा जो कोई भी, अगर मेरी बेटी फातिमा से उसको बुग्ज है तो जहन्नम में जाए। इन्ना मुहब्बता फातिमा यन्फ़ु फी मिअते मवातिना। बहुत अहम हदीस मेरे भाई, मारी डिग्री फातिमा ने मोहब्बत 100 जगह में फायदा पहुंचाएगी, 100 जगह में शहजादी की मोहब्बत फायदा पहुंचाएगी। कौन कह रहा है? रसूल खुदा। ऐसा रोहा ऊंचा में ऊंचा, सबसे कम जो फायदा पहुंचेगा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने
तो बहुत मजलिस सुनी है, बहुत सुना है। इंसान दुनिया में जितना हाथ पैर वाला हो, जितना पैसे वाला हो, दौलतमंद हो, जितना पावर उसके पास, जितना पॉलिटिकल यानी पर्सनल पोटेंशियल हो उसके पास, ये कमाल नहीं है। कमाल ये कि ये सब आखिरत में भी उसके साथ साथ रहे। आखिरत में इंसान, मैंने कल की मजलिस में भी इशारा किया था, आखिरत में इंसान फकीर होता है, आखिरत में इंसान का हाथ खाली होता है, आखिरत में इंसान दुनिया का राजा भी वहां का भिखारी होता है। रियालिटी वहां, अगर इंसान के पास वह दौलत हो जाए तो सबसे बाकमाल। अल्लाह सबको ऐसी दौलत दे जो दुनिया में भी और आखिरत में भी। ऐसी अल्लाह से दौलत मांगनी चाहिए खुदाया। जनाबे सुलेमान ने अल्लाह से ऐसी दौलत मांगी थी, खुदाया में ऐसी दौलत दे कि जैसी जैसी दौलत किसी के पास नहीं थी। मांगना चाहिए अल्लाह से, लेकिन इसके साथ साथ ये दुआ करें कि हमें ऐसी दौलत दे जो दुनिया में यानी आखिरत में हमारा साथ है, क्योंकि आखिरत में इंसान फकीर है, उसकी हालत एक स्ट्रीम बेगर से भी ज्यादा बदतर है। आखिरत में उसको मदद चाहिए, आखिरत में उसको उसका कोई हाथ पकड़ने वाला हो, आखिरत में कोई उसको कुछ देने वाला हो, आखिरत में उसको कोई कुछ खिलाने वाला हो। दुनिया में एक पैरालाइज मानस को आपने देखा है ना, जो हाथ पैर जिसका एकदम बेकार हो जाता है, काम नहीं करता, हाथ पैर में मूवमेंट नहीं होता, पैरालाइज मानस। इसको कोई खिलाए तो खाना भूल जाएगा, कोई उठाए तो उठेगा, कोई बिठाए तो बैठेगा। दुनिया आखिरत में हर इंसान की मिसाल एग्जाम्पल ऐसी होगी। इंसान पैरालाइज होगा, उसको मदद चाहिए, उसका कोई मदद करने वाला हो। अब सुनिए हमारी आपकी फजीलत, शहजादी से मोहब्बत करते हैं तो उसका असर क्या है। रसूलुल्लाह खुदा कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत का 100 फायदा है। कम अज कम ओछा में ओछा सबसे पहला फायदा इन द मौत, जब इंसान मरेगा तो फातिमा की मोहब्बत वहां कम आएगी। कब्र में इंसान अकेला, कोई नहीं मदद करने वाला है, परेशान है, उसके कोई साथ देने वाला नहीं। कब्र में फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। या रसूलल्लाह महशर में क्या होगा हमारा, फिल महशर, महशर में फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। आपको मालूम है ना सारी डिटेल, आप जानते हैं, कितना सुनते हैं आप। वहां जो है यौम यफिर अल-मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व अबी व साहिबतीही व बनी, कयामत का वो दिन होगा, महशर का वो दिन होगा कि जो बाप बेटा भाई बहन धनी औलाद सब एक दूसरे को देख के भागेगा। यहां जो धनी अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता था वहां देख के उसको भागेगा, यहां जो बेटी अपने मां से बहुत मोहब्बत करती थी वहां देख के उसको भागेगी, यहां जो मां अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती थी वहां मां अपनी औलाद को देख के भागी, यहां जो भाई अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था वहां भाई अपने भाई को देख के भागेगा। तवज्जो कीजिएगा, ऐसा आलम है। लिकुल इमरिन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी, कयामत के दिन हर आदमी अपने आप में परेशान होगा, उसका कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तो ऐसे में कौन हमारी हाथ मदद करेगा। रसूल खुदा कहते हैं तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करो, फातिमा की मोहब्बत महशर में तुम्हारा साथ देगी। महशर में फातिमा की मोहब्बत कब आएगी? उसके बाद इन सरात, पुलिस रात बाहर करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई हो तुम्हारा बच्चा घबराता है, लेकिन कोई डोसा मानस बड़ा आदमी उसका हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के पार कराए उसको, तो उसको थोड़ा पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है कि ना मैं गिरूंगा नहीं, मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला है। सिरात में यही हाल होगा, पूरे सिरात पर हर आदमी परेशान होगा, हम कैसे इसको पार करें। शहजादी की मोहब्बत हमारा हाथ पकड़ के हमको पार कराएगी। उसके बाद इंदर मीजान, फमन सकुलत मवाजीनहु फहुवा फी ईशतिन राजिया। कुरान क्या कहता है, कयामत के दिन जिसका मीजान, जिसका तराजू वजनी हो जाए, नीचे गिर ज्यादा वजन हो जाए उसका, फहुवा फी ईशतिन राजिया, तो उसकी जिंदगी सब की सारी जिंदगी सबसे परफेक्ट यानी बेहतर जिंदगी है। या रसूल अल्लाह हमारी जिंदगी कैसे परफेक्ट हो? रसूल खुदा ने कहा फातिमा की मोहब्बत का एक असर यह है कि उसकी मोहब्बत इंदल मीजान, जब वजन तोला जाएगा, अमल को तोला जाएगा, उस वक्त फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा की मोहब्बत का यह असर, ऐ
सवाल कर रहा हूं,
بر نسبت جناب فاطمہ زہرا با آواز بلند صلوات जगह पे आपको समझ में आएगा, खासतौर से शहजादी की मैरिटल लाइफ के बाद, शादी के बाद जगह जगह पे समझ में आएगा कि अगर अली की जिंदगी से फातिमा को हटा दीजिए तो अली की जिंदगी अधूरी है, अली की जिंदगी आधी है, अली की जिंदगी यानी अली का मिशन कामयाब नहीं हो सकता। मैं चैलेंज से क्या हूं, जज्बात नहीं आते तक अली का मिशन नाकाम रह जाता अगर फातिमा ना होती। आपको मालूम है रसूल खुदा का जब आखिरी वक्त है, छेड़ा वक्त है, तो रसूल खुदा ने हजरत अली से कहा, या अली मैं तुमसे वसीयत करता हूं कि मेरे बाद सब्र करना, मेरे बाद चुप रहना, मेरे बाद तुम्हें काम करना, इस कुरान को जमा कर लेना, दूसरा काम कुछ ना करना। तो अब सवाल ये क्या कर अली खामोश हो, अगर अली कुछ ना बोले तो आज हक को बातिल के दरमियान में डिफरेंशिएट कैसे हो, कौन बताए हक क्या है बातिल क्या है। मसला है कि रसूल खुदा के बाद ऐसी सिचुएशन हिस्ट्री में आ गई कि हक को और बातिल को अगर ना कोई बताने वाला हो तो तारीख बिल्कुल नुआर डार्क है, ब्लैक है, तारीख हिस्ट्री को कोई सही बताने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यानी आपको मालूम है इतना मोटा मोटा लुटेरा हिस्ट्री में था, अगर कोई उस वक्त आवाज न उठाता तो आज अली हम तक पहुंचना पड़ता। आपको मालूम है इतनी कोशिश के बाद जब हजरत अली की शहादत हुई तो शाम में लोग कहते थे कि अली मस्जिद में क्या करते थे, अली भी नमाज पढ़ते थे। यानी इससे अंदाजा लगाइए शहजादी का सेक्रीफाइस यानी शहजादी का जिहाद कितना मोटा था। अगर शहजादी न होती आवाज उठाने वाली तो फिर अली को आज पहचानवाने वाला कोई ना होता। अली घर में खामोश तो अब आवाज कौन उठाए, अली घर में खामोश अली का हक कौन मांगे, अली घर में खामोश अली की मदद कौन करे, अली घर में खामोश सही इस्लाम कौन बताए, अली घर में खामोश सही दीन कौन पहुंचाए। अल्लाह ने अली के मददगार अली नासिर ने यावर की शक्ल में फातिमा को भेजा। सुभानअल्लाह कि अगर अब मैं यहां अपनी मां बहनों के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया को यह बताना चाहा कि कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि मर्द को खामोश होना पड़ता है। अल्लाह की राह में जब मर्द को खामोश होना पड़े तो उस वक्त मां बहनों औरतों को मैदान में निकल के दीन को बचाना होता है। आज की मां बहनों के लिए सबक है, कितना एग्जाम्पल है आपको मालूम है, मैंने कई दिन पहले भी खुतबे में कहा था शहीद बहादुर सदर की तहरीक नाकाम हो जाती अगर शहीदा बिल्कुल उदा ना होती, इमाम हुसैन की तहरीक नाकाम हो जाती अगर जनाबे ज़हरा ना होती। यानी क्या मतलब है, हमारी मां बहनों के लिए आज के लिए सबक है, सबक यह है कि जहां दीन को बचाने के लिए मर्द को खामोश होना पड़े तो फिर औरत अपना जिहाद दिखाती है, औरत फिर दीन के लिए सेक्रीफाइस करती है। और तो बात बताइए शहजादी ने ऐसा जिहाद किया, हिस्टोरिकल खुतबा शहजादी का, हिस्टोरिकल स्पीच आज तक। अगर मैं अपने भाई बहनों जवानों से खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कभी टाइम मिले तो गूगल में सर्च करके फ्रेंच में भी उसका ट्रांसलेशन है शहजादी का खुतबे फदकिया वाचे पढ़िए, समझ में आएगा आपको कि इतना क्रिटिकल टाइम ऐसे टाइम में शहजादी ने इतना हिस्टोरिकल खुतबा दिया जो खुतबा अपने जवान बुजुर्गों से टाइम मिले बैठ के शहजादी का खुतबा सिर्फ ट्रांसलेशन उसका पढ़ो, जरा सा वाचे उस खुतबे में क्या है। ये एक फजीलत शहजादी की, बीजी फजीलत एक सलावत पढ़ो मोहम्मद नबी ने इतनी मुसीबत नहीं उठाई।
लेकिन आपको मालूम है रसूल खुदा कभी भी जितना भी सख्त मरहला आया, मुसीबत आई, अपने दुश्मन के लिए रसूल खुदा ने बद्दुआ नहीं की। सुनिए गौर से, रसूल खुदा बद्दुआ नहीं करते थे, लेकिन एक किस्सा बहुत ज्यादा आपने सुना है, क्या कि कुरैश मक्के के, अभी मक्के की जिंदगी बता रहा हूं, अभी हिजरत नहीं की रसूल खुदा, मक्के में कुफार कुरैश मुशरिक लोग जमा हुए, एक ने कहा ये ऊंट की ओदड़ी कौन रसूल की पीठ पर रखेगा, तो एक मलून तैयार हुआ कि मैं जाकर रखू, उसने जाके ओदड़ी रखी है रसूल खुदा की पीठ पर, रसूल खुदा सजदे में, शहजादी ने जब देखा तो पहले तो रोई और जाके दौड़ के अपने बाबा की पीठ साफ की, ऐसे पीठ साफ की कि जैसे कोई मां अपने बच्चे को साफ करती है। हिस्ट्री कहती है जब ये देखा, देखने के बाद कुफार ने कहा ये कोई लड़की मामूली लड़की नहीं है, ये बेटी नहीं है अपने बाप की बल्कि अपने बाप की मां है। किसने कहा? कुफार ने। ये एक फजीलत, बीजी फजीलत। जैसे ही शहजादी ने ये देखा, देखने के बाद शहजादी जबान हिला देने लगा कि खुदा मेरे बाबा को सताने वाले पे लानत करे। तवज्जो कीजिएगा, शहजादी की फजीलत, खुदा खुदा अल्लाह मेरे बाबा को सताने वाले पे लानत करे। उसके बाद खुदा ने जब सजदे से सर उठाया, ये आहिस्ता आहिस्ता शहजादी लानत कर रहे हैं, रसूल खुदा ने सजदे से सर उठाया, सर उठाने के बाद अपने दुश्मन पे लानत भेजना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आप तो रहमतुल्लिल आलमीन है, आप तो कभी अपने दुश्मन पे लानत नहीं भेजते। अलबत्ता एक बात यहां ब्रैकेट में प्रांतेज में बताता चलूं कि लानत भेजना इस बात की दलील नहीं कि रसूल खुदा रहमतुल्लिल आलमीन ना, ना कभी कुरान में भी अल्लाह रहमतुल्लिल रब्बुल आलमीन है, मां से ज्यादा अल्लाह अपने अपने इंसानों से मोहब्बत करता है, लेकिन अल्लाह ने भी लानत भेजी, तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो लानत भेजी जा सकती है। रसूल खुदा कहते हैं कि जब मैं सजदे से सर उठा रहा था तो मैंने अपनी बेटी को देखा कि मेरी बेटी कुछ दुश्मनों पे, दुश्मनों के लिए बद्दुआ कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। फातिमा को देखा मैंने, तो फातिमा जो बद्दुआ कर रही थी, फातिमा को देख के मैंने भी बद्दुआ करना शुरू कर दिया। क्यों या रसूल अल्लाह? कहा इसलिए कि रबाहा रबल्ला, मैं इसलिए बद्दुआ नहीं करता था क्योंकि अल्लाह मेरी बद्दुआ से राजी नहीं था, लेकिन जब मैंने फातिमा को बद्दुआ करते देखा तो मुझे एहसास हो गया कि नहीं, अब अल्लाह राजी है बद्दुआ से। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी बद्दुआ कर रही है। फातिमा उस वक्त तक बद्दुआ नहीं कर सकती जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो। फातिमा की बद्दुआ को देख के हमें एहसास हुआ कि अल्लाह की मर्जी क्या है, तो जब अल्लाह की मर्जी थी तब मैंने बद्दुआ की दुश्मनों के खिलाफ। इससे अंदाजा होता है शहजादी का मकाम क्या है, इससे अंदाजा होता है शहजादी की फजीलत क्या है। ये एक पार्ट था, मैं 10 मिनट के अंदर दूसरा पार्ट, उसके बाद मसायब की जुमले एक सलावत पढ़ हम बता देता शोहरत मिले, मशहूर हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा उसका नाम हो, उसका नाम लेने वाला माना ज्यादा हो, हर एक की ख्वाहिश होती है। बहुत सी औरत जो अपने आप को एक्सपोज करती है हिजाब उतार के, मिसाल के तौर पे मामूली से माल हल्का से हल्का कपड़ा, किसने एक्सपोज किसने करती है? क्योंकि एक शैतानी खासियत होती है औरत के अंदर अपने आप को नुमाया करने की, ये किसने करती है? उसको एहसास होता है कि दूसरा हमको जब देखेगा तो इससे मेरी पर्सनैलिटी जरा बता रही होगी, बढ़ेगी। ये हर इंसान के अंदर, मिसाल के तौर पे आते हैं कि मिस ग्लोब, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, 2014 में जो प्रोग्राम हुआ था, ये क्वांटिक्स होता है हर साल साल में, ये सब किस लिए? अपने आप को माया करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए। और उनमें खासियत होती है, मर्द में भी होती है, हर आदमी में खासियत होती है अपने आप को मशहूर करने के लिए। लेकिन अभी मेरा विषय क्या औरत है, वो ये चाहती है
एक्सपोज करना, अपने आप को नुमाया करना कि उसका मसलन नाम आ जाए। बहुत से आदमी की ख्वाहिश होती है ना, उसकी इच्छा होती है कि उसका न्यूज़पेपर में नाम आ जाए। कई साल पहले बम्बई में एक आदमी ने किसी का खून कर दिया, मर्डर कर दिया। कहा भाई तुमने कहा तुम मारा किसी को? कहा मैं चाहता था कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आए। तो मुकम्मल मानस की ख्वाहिश ऐसी होती है, अपने आप को मशहूर करने के लिए, मशहूर बनाने के लिए ऐसा कोई काम करना चाहता है और भी चाहते हैं कि वो मशहूर हो, उसका लोग उसकी लोग इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आज की दुनिया में क्या है, रिस्पेक्ट वैल्यूज जो है चेंज हो गई। इस इंपॉर्टेंट की तरफ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज की दुनिया में वैल्यूज चेंज हो गई। किस चीज को अच्छा होना चाहिए वो चीज अच्छी नहीं रह गई, जिस चीज को बुरा होना चाहिए वो चीज अच्छी बन गई। वैल्यूज चेंज हो गई बिल्कुल। अब जब वैल्यूज चेंज हो जाते हैं दुनिया में, इसको ध्यान में रखिएगा, जब वैल्यूज चेंज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंसान के माइंड पे भी उसका असर पड़ता है। कल्चरल इफेक्ट होता है, सोशियोलॉजी में इसको जाके आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कल्चरल इफेक्ट, जब वैल्यूज चेंज हो जाए, जो चीज अच्छी है वो बुरी हो जाए, जो चीज बुरी वो अच्छी हो जाए, उस जमाने में इंसान पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अब सवाल यह है, एक औरत के लिए तीन हिस्सा होता है उसकी लाइफ का, इंपॉर्टेंट हिस्सा। एक वो एक सबसे पहले वो बेटी होती है, दूसरा हिस्सा उसका सब लाइफ का उसकी वो मां होती है, तीसरा हिस्सा उसकी लाइफ का वो, यानी दूसरा हिस्सा वाइफ होती है, तीसरा हिस्सा वो मां होती है। अलबत्ता आज के जमाने में एक बीच का हिस्सा भी निकला है। कहा क्यों, मैं जो जॉब करती हूं उसका क्या करूं, हिस्सा बन गया। लेकिन ये जॉब भी इसी में आ सकता है, इसी के अंदर आ सकता है, कोई नवो हिस्सा नहीं। तीन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर किसी को मशहूर होना है, कमाल दिखाना है, तो ऐसी बेटी बने कि कयामत तक हर आदमी, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, उसकी किरदार, उसकी कैरेक्टर, मशहूर होना है ना, कितना मशहूर होना है, इतना मशहूर होना है कि जितने मोटे मोटे बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं वो उसका नाम लिखें, उसको याद करें। आज मैं आपसे बता रहा हूं, शहजादी की जिंदगी कितने साल की थी, 18 साल की जिंदगी, इतनी छोटी यानी कम जिंदगी लेकिन इतनी फ्रूटफुल। एक ऐसी लड़की की जिसकी मां मर गई बहुत कम सिनी में, लेकिन ऐसी बेटी का किरदार अदा किया। आजकल की बेटियों के लिए एक लेसन है, आपको मालूम है, शहजादी की मां नहीं थी, अगर मां होती तो शहजादी दुनिया को बताती कि बेटी को मां के साथ कैसा होना चाहिए। आज बहुत बड़ी मुसीबत है, लोग आके बताते हैं मौलाना कुछ ऐसा बताइए कि बेटी मां का हक अदा कर। यकीनन अगर शहजादी होती तो दिखाती दुनिया में कि एक बेटी को मां के साथ कैसा होना चाहिए। शहजादी की ऐसी पर्सनैलिटी, बेटी की हैसियत से, उम्मे अभी अपने बाप की मां, मां को उम किसे कहते हैं, उम कहते हैं जहां लोग आके सुकून से रह सके, उम कहते हैं मर्जा, मर्जा पना, जहां किसी को साया मिले, इसको कहते हैं अरबी में उम। मैंने पहले भी बताया है, उम में अभी अपने बाप की मां, यानी बाप को जब सुकून मिलता था तो अपनी बेटी के पास आके सुकून मिलता था। लाइफ का दूसरा हिस्सा हस्बैंड वाइफ का हिस्सा, इतनी सक्सेस मैरिटल लाइफ तारीख में किसी की नहीं गुजरी, इतनी कामयाब जिंदगी शादी की तारीख में किसी की नहीं गुजरी। आपको मालूम है, आप देखिए इतना परेशान जिंदगी, आप जाके हिस्ट्री में स्टोरी जाके वाचिए, देखिए तो आपको नजर आएगा कितनी मुसीबत में जिंदगी गुजारी है शहजादी, चक्की पीस पीस के। आज के वक्त को कुछ शायद ना समझ में आ पाए, आज तो काम जो है सारा काम खाली ब्रश कर लो, नहाना धोना बाकी रह गया, बाकी सारा काम तो दासी कर लो, खाली कुछ दिन के बाद यह भी होगा कि दासी ब्रश कराएगी, अल्लाह खुदा ना करे ऐसी नौबत कभी आए, सबके हाथ पैर साबित हो। ऐसी कामयाब जिंदगी शहजादी की इतनी सख्त लाए, जनाबे हमारे यासिर कहते हैं, जनाबे सलमान कहते हैं, एक दिन मैं गया शहजादी के घर में, जनाबे सलमान कहते हैं शहजादी के घर में गया, क्योंकि रसूल खुदा मस्जिद में आयत सुनने के बाद रो रहे थे। जनाबे जिब्राइल ने एक ऐसी आयत नाज़िल की कुरान की, रसूल खुदा इतना रोए कि आपका रोना रुक नहीं रहा। तो किसी ने कहा कि रसूल जब फातिमा को देखते हैं तो आपका रोना रुक जाता है, आप खुश हो जाते हैं। जनाबे सलमान कहते हैं कि मैं घर आया शहजादी के, तो मैंने देखा शहजादी एक चादर ओढ़ के चक्की चला रही थी, हाथ से खून गिर रहा था और चादर में 12 जगह पेवन लगा था। आज की और कुछ ना समझ में आया, हम हो भी नहीं सकते, फातिमा जैसी आज की कोई खातून नहीं हो सकती,
ये कह भी नहीं सकते किसी को। इतनी कमजोर, इतनी सख्त लाइफ, इतनी गरीबी की जिंदगी। उसके बाद अब आपको एक बात और बता, क्या बात है, शहजादी ने इतनी गरीबी की जिंदगी क्यों अपनाई? शहजादी को मालूम था कि कयामत तक अगर तारीख ये लिख दे कि रसूल की बेटी अली की जोजा बहुत आराम से रहती थी, अली की जोजा के पास बेहतरीन बिस्तर था, खाने को बेहतरीन खाना था, पहनने को बेहतरीन लिबास था, तो तारीख में कुछ गरीब लोग अगर आते, मेजोरिटी जहां दुनिया में गरीबों की है, हमारे गरीब चाहने वाले शायद हसरत करते। जिस तरह अली जब हुकूमत नहीं मिली थी, हुकूमत से पहले एक रोटी खाते थे, जब हुकूमत मिल गई तो रोटी को आधा कर दिया। पूछा क्यों? कहा लाल फिल हिजाज और यमन थे मल्ला तोहमत लहू फिल फुरसत खबसन, शायद हिजाज और यमन में कुछ ऐसे लोग भी हों कि जिनको आधी रोटी भी नहीं मिलती, एक रोटी भी नहीं मिलती, तो कैसे अपनी हुकूमत में अली पेट भर के खा सकता था। अब सुनो शहजादी की मंजिलत, शहजादी उस जमाने में जब हुकूमत नहीं थी, इख्तदार नहीं था, अभी रसूल खुदा जिंदा थे, आज कम खाना खाती थी, पोशीदा कपड़ा पहनती थी, पुराना कपड़ा पहनती थी, ताकि मेरा चाहने वाला अगर कोई गरीब हो तो उसको अपनी गरीबी पे अफसोस ना हो, उसको अपनी गरीबी पे अपने फख्र पे अफसोस ना हो, इसलिए शहजादी नहीं थी। कोई ये ना समझे कि शहजादी के पास, जिसके पास जन्नत से कपड़ा आ रहा हो, जिसके पास जन्नत से खाना हो रहा है, वो कहा गरीब ना, गरीब नहीं थी शहजादी, लेकिन अपने आप को गरीब रखा ताकि आने वाला कोई मेरा चाहने वाला अगर गरीब हो तो उसको हसरत ना हो, परेशान ना हो कि मेरी शहजादी तो बहुत पैसे वाली थी, हम गरीब ना। ऐसी जिंदगी गुजारी हस्बैंड के साथ, औलाद की तरबियत ऐसी बेहतरीन तरबियत की। आपको मालूम है कोई मामूली बात नहीं है, जब यजीद ने बैत मांगी तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, या अल्लाह व रसूलहु वल मोमिनून व हुजूरन तहरत व तहरत। कैसे हुसैन यजीद क्या बैत कर सकता, अल्लाह को मंजूर नहीं है, रसूल को मंजूर नहीं है, मोमिनीन को मंजूर नहीं है, व हुजूरन तहरत व तहरत। हुसैन जिस गोद में पला है उस गोद को मंजूर नहीं है कि हुसैन यजीद क्या बैत कर। हुसैनियत गिर गई औरत, तो उसके मर्द ने जब देखा
बच्चा मर गया तो उसने उस मुतब्बे को पकड़ा, पकड़ के गला दबाना चाहा कि तूने कैसे किया ये। अब मैं आपसे पूछूं कि अली कितना मजलूम था।
فيها.